नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां देश में 3 तलाक पर चर्चा चल रही, वहीं दूसरी ओर कुशीनगर में एक शोहर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि उसने अपने शोहर से खर्चा मांग लिया था। सऊदी अरब में रह रहे शोहर ने फोन पर ही 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। तलाक का नाम सुनते ही महिला के होश उड़ गए। इसके बाद गाँव में हुई पंचायत के मामले को सुलझाने के बजाय तलाकशुदा महिला की कीमत 1.5 लाख रुपये लगाकर ससुर के घर से निकाल दिया। बेटी को 3 लाख मिलने पर पूरा परिवार सदमे में है। परिवार अब यह नहीं समझ पा रहा है कि उनकी बेटी का क्या होगा, इस उम्र में उसकी शादी कैसे होगी। ये सोचकर माँ परेशान है तो पिता सदमे में है। 3 तलाक कानून बनने के बाद जिले का ये पहला वाक्य है। परेशान परिजनों ने नेबुआ नौरंगे थाने में गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। 8 महीना रहा न, 8 महीना बाद सऊदी चल गया ना। सऊदी के बाद 4 महीना 3 महीना पड़ा ही, और बस हमको 3 लाख दे दिया ने। तो ये से गए 3 लाख दे दिया ने। क्या बोले? 3 लाख देता नहीं। अच्छा, फोन पे? हाँ, फोन पे। 3 तलाक वहाँ पे कोई नामे नहीं हुआ था, ठीक। लड़की के राजामंदी से वो लोग आए, अपना टाली लेकर आए, सारा सामान लदवाए हैं, लदवा के यहाँ से लेकर चले गए, और कोई बात नहीं हुआ यहाँ से। नहीं, इसमें कुछ धन वगैरह की लेन देन वापसी? तो धन का 1.5 लाख रुपये का अब्दुल रहीम दिए थे लड़की को। किसके सामने दिए थे? हम लोग को, सब लोग वहाँ पे पंच थे, वहाँ पे दिया गया था। वहाँ से बहुत लोग आए थे, लड़की घर से। बेटा 3 तलाक नहीं दिया है। हमारी पतोहू हमसे कही कि अब्बा हम नहीं रहेंगे, हमको हमारा हर हिसाब करके हमको हमारे मायके पहुंचवा दीजिए। हमने कहा कि हम नहीं पहुंचवाएंगे। उसके घर, वो अपने घर सनेसा देकर के बुलवाई और वो लोग आए। जो भी उन लोगों का सामान था, वीडियो के बनाते समय और पंचगण के सामने हमने सब उसको दे दिए। और उसके बाद से जो 1.5 लाख 1,55,000 का हमने उसको चेक दे दिया। और लड़का मेरा कोई जवाब 3 लाख का बात नहीं किया, न लड़की की। 3 तलाक कोई बात ही नहीं था वहाँ पे। लेन देन में जो अपना लेन देन शादी के थे 4-5 साल पहले, अपना सामान में अपना सब घर वाले ही आए, अपना लाद लुक ले गए, और दहेज जो दिए थे सब में 1,50,000 ही रिटर्न कर दिया उनका, अब्दुल रहीम कर दिया वो लड़की वाले के बाप को। ये नेबुआ नौरंगिया का मामला है। इसमें 3 तलाक का एक मामला आया है, जिसमें पति सऊदी अरब रहता है। उसने वहीं से फ़ोन पे अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया। मामला संज्ञान में आया पुलिस के, और पुलिस ने इस पर गहराई से जांच करते हुए मामले तक के तह तक पहुंची, और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया। क्राइम नंबर 214/19, धारा है 4 मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट। और ये जो मुकदमा लिखा गया, ये तजामुल जो कि शोभा छपरा के रहने वाले हैं उनके खिलाफ लिखा गया, जो कि महिला के पीड़िता के पति हैं। कार्रवाई ये है कि उनको जरिए बजाय खास नोटिस तामील की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनको इस हिसाब से बुला करके उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, जो भी सजा हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।